हेलो दोस्तों, आज के इस वर्तमान समय में महिलाएं कानून के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को कानून का कार्यभार संभालने में नाकाबिल समझा जाता था। पर धीरे धीरे महिलाओं ने आगे आकर इस सोच को बदला। आज हम इस वीडियो में भारत के हाई कोर्ट की पहली महिला जज लीला सेठ के बारे में जानेंगे। तो लीला सेठ का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता उनके बचपन में ही चल बसे, पर उनकी मां ने कड़ी मेहनत कर अपने चारों बच्चों को पाला और पढ़ाया लिखाया। 20 साल की उम्र में लीला की शादी हुई और फिर वह इंग्लैंड शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। फिर इंडिया वापस आते ही लीला ने पटना हाई कोर्ट में 10 साल लॉयर का काम किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम किया। लेटर आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर, सी वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन 1978। देन इन द ईयर 1991 सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। हर स्ट्रगल टू बिकम अ जज वॉज नॉट मच ईजी। सी हैड वर्कड एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ केसेज इन हर करियर टाइम। ऑन 5th मई 2017 एट द एज ऑफ 86 सी डाइड आफ्टर सफरिंग अ कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक। थैंक यू।